बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना वॉरियर वाहन रैली का आयोजन किया गया और इसका आयोजन करने के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रामनिवास बाग से रैली को हरी झंडी दिखाई। जनस्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा के मार्गदर्शन में रैली का आयोजन किया गया। स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें वाहन रैली को हरी झंडी दिखाने के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग दोनों मौजूद रहे। वाहन रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान कोरोना के प्रति जागरूक लोगों को करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ये वाहन रैली आयोजित की गई, जिसको हरी झंडी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिखाई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर, वो अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है। जगह जगह हमारे जिला कलेक्टर्स को हमने नोडल अधिकारी बनाया है और उसमें एनएसएस के लोग, एनसीसी के लोग, स्काउट गाइड, हमारे एनजीओस, बाकी जो सरकारी टीचर्स हैं, बाकी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलके राजस्थान भर में इस समय ये आंदोलन चल रहा है। शुरुआती दौर में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ये कैंपेन चलना था, लेकिन फिर जिस ढंग से पूरे देश की, दुनिया की और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ये आंदोलन नवंबर 30 तक और आगे बढ़ाया गया है, ये चलेगा। उसी कड़ी में आज वाहन रैली निकली है और मकसद इसका यही है कि राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखा जाए, उनके अंदर ये संदेश जाए कि हमें नियमित रूप से मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, समूह में एकत्रित नहीं होना है, ये फेस्टिव सीजन आ रहा है। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन भी हो रहा है, मौसमी बीमारियों का कहर जब कोरोना नहीं रहता तब भी रहता है, वो भी लंग्स से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, तो डबल तरीके का प्रेशर है। पर्यावरण में भी सर्दी की वजह से परिवर्तन होता है, तो हर तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुनिया में जो दूसरे मुल्क है, मैं किसी देश में दूसरी पीक आ गई, किसी देश में तीसरी पीक आ गई, हिंदुस्तान में भी दूसरी पीक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वो है 15 दिसंबर, हो सकता है 31 दिसंबर तक भी आए, क्योंकि शीतलहर चलती है, सर्दी का टाइम आता है, लंग से रिलेटेड समस्याएं वैसे भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो प्रोग्राम था जन आंदोलन का, इसकी तारीख को हमारी सरकार ने 30 नवंबर तक बढ़ाया है और ये चलता रहेगा। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी बचाने के लिए काम हो रहा है सरकार की तरफ से। पटाखे भी बैन किए गए हैं सर, आप जानते हैं कि कितने पटाखों से पोल्यूशन बढ़ता है और ये बीमारी लंग से रिलेटेड बीमारी है। अब ये महामारी के दौर में अगर एक बार फटाके नहीं भी जलाएंगे, ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है या फटाके चलाना ज़रूरी है, ये तय करना पड़ेगा। सरकार ने तय किया है आम आदमी की ज़िंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए।